गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब एक सेकेंड दीजिएगा मुझे गुड मॉर्निंग टू सिका हाव ऑल राइट हाई नो रिच आर दर ट्वेंटी थ्री वेल एंड ट्वेंटी टू एज वेल तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अंडर लॉ ऑफ टॉर्च विच इज नोन एज ट्रेस पास इससे पहले हमने स्ट्रिक लाइब्रेटी वाइकेरियस लाइब्रेटी सब कंप्लीट कर लिया है आई होप आप लोगों ने वो क्लासेस कर ली है हेलो जी हेलो गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग मेरा नाम कृतिपनागर है आई हैव डन बी आर बी फ्रमलाई गोपाल एंड उसके लिए मेरी ऑल इंडिया रैंक थ्री थर्टी नाइन एन गेव क्लैट इन ट्वेंटी फोरटी एंड देन आई गेव क्लैट पी जी एग्जामिनेशन मास्टर्स का एग्जामिनेशन ट्वेंटी नाइनटीन उसमें मेरी रैंक फोर ट्वेंटी फाइव आई थी फिर मैंने अपना मास्टर्स एल एल एम जी एनल यू गुजरात से कंप्लीट किया आई एम प्लस वेरीफाइड एजुकेटर एंड आई वो ऑल्सो क्लियर नेट हेलो 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 यू दिया यू कैन आस्क द बैच क्वेश्चंस इन द स्पेशल क्लास दैट इज एट इलेवन पी एम ना अभी इसके बाद 11 बजे बैच मतलब स्पेशल क्लास है फ्री क्लास है उसमें आगे तू मेरे से पूछ लेना देखो जो भी डाउट है ठीक है हाय गार्गी गुड मॉर्निंग हैव यू अगर आप में से कोई भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहता है ऑफ अकेडमी लॉ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ अन अकेडमी देन दिस इज द लिंक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप में से अगर कोई भी पीडीएफ चाहता है ऑफ द पी देन उसके अलावा उसके लिए ये ड्राइव लिंक है इस पर आपको पी मिल जाएंगे अगर आप आपसे कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है एक स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना चाहता है अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है तो आप अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ट्वेंटी फोर मंथ एटीन मंथ ट्व मंथ्स नाइन मंथ्स सिक्स मंथ्स थ्री मंथ्स वन मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है अगर आपको मेरा पढ़ाने का सैल अच्छा लगता है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विचस् कृति बी इसको आपको टेंथ परसेंट ऑफ मिलेगा एंड इट वुड मीन अर टू कि आपने मेरा कोड यूज़ किया है सो थैंक यू सो मच गाइज क्या चीज़ स्पेशल क्लास अन एकेडमी पे ही होती है बेटा गुड मॉर्निंग काजल गुड मॉर्निंग सयाम गुड मॉर्निंग अनू हाव यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग खुशी हव यू हेलो जी हेलो कैसे हैं आप गुड मॉर्निंग दीपिका हव यू अन अकेडमी के इन फीचर्स होते हैं आप रही कर सकते हो एजुकेट से बात कर सकते हो लाइव क्लासेस में अनलिमिटेड कुछ होती है खुद भी कुछ को लॉन्च कर सकते हो कैसे भी लाइव रिक्वायर सेशन देख सकते हो बहुत सी आपको बेस्ट एजुकेट पढ़ने के लिए बनाए पढ़ने की वीकली इवेंट्स होते हैं एग्जाम के बार सकते हो तो आप सारी जान सकते हो जा सकते हो फैकल्टी एक्सेस कर सकते होशनल वॉक टेस्ट सीरीज को और सेक्शनल टेस्ट सीरीज को अरे 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 भाई गार्गी अगर आप लोग प्लान बना के आए थे आज ऐसा कुछ मैसेज करेंगे आप सैम बेटर हूँ पहले से थैंक यू फॉर आस्किंग नए बैचेस शुरू हो रहे हैं गेवल मेकर्स वन या कॉम्प्रेनसिवि बैचे टैक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एक्सप्रियस के लिए ट्वेंटी सिक्स नवंबर को शुरू हो रहा है तो आप में से कोई भी अगर इसमें अपने आपको एनरोल करना चाहे तो कर सकता है थोड़ा सा मेरे को जुखाम है लेट्स क्रैक एल्सा थर्टी डेज का क्रैश कोर्स है तो से कोई करना तो ये भी कर सकते हैं so तो उसमें भी, तो भी कर सकते हैं शुरू हो रहा है अनकेडमी ऐप आप पे आपको मिल जाते हैं लाइफ को इसके फीचर्स के लिए आपको अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है क्लैट कैटेगरी में जाना है टेस्ट एंड प्रैक्टिस पे क्लिक करना है इसमें फ्री टेस्ट मिलते हैं तो आपको बस ऐप डाउनलोड करना है इसके लिए भी आप कृति बी कोड यूज कर सकते हैं फ्री को एक्सेस करने के लिए भी वो कोड मांगते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें आप या तो होस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को भी बुला सकते हैं वो आपके साथ दे देंगे या फिर आप ज्वाइन क्वेश्चन कर सकते हैं अकेले क्वेश्चन देना चाहते हैं तो अन अकेमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट लॉ एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है ये हर ऑल्टरनेट सैटरडेस को होता है सुबह ग्यारह बजेटी मार्क्स का होता है वीकली टी ट्वेंटी टेस्ट होता है ट्वेंटी मिनट्स का रिविजन टेस्ट होता है आपकी रोज की प्रैक्टिस के लिए ट्वेंटी मार्क्स का मंडे को इंग्लिश होता है टूजडे को होता है को लॉजिकल होता है थर्सडे को लीगल होता है सीएजी के आपका फ्राइडे को होता है अनकेडमी मॉक टेस्ट 2022 के लिए स्टार्ट हो रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज हाई छुट्टी गुड मॉर्निंग यू इसको प्लीज जरूर से ध्यान रखिएगा ये ट्वेंटी सेवेंथ नवंबर को है गाइज आपने इसमें इतनी सारी चीजें जीतने वाले ना कुछ कहने की हद नहीं है इसमें आप प्लस स्टूडेंट हो चाहे स्पेशल स्टूडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता आप सब इस टेस्ट को दे सकते हैं जो रैंक वन लेके आएगा उसको पाँच हजार रुपये के अमेजन वाउचर्स मिलेंगे प्लस हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगी सिक्स मंथ सब्सक्रिप्शन पे रैंक टू लेके आएगा उसको अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे थ्री थाउजेंड रुपीज तक के और फिफ्टी परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगी रैंक थ्री वाले को अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे टू थाउजेंड रुपीज तक के और फिफ्टी परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगी और रैंक फोर से टेन तक के बच्चों को फाइव हंड्रेड रुपीज के एमेजॉन वाउचर मिलेंगे और टेन परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगी तो इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं सब मिलके आप इसका टेस्ट दे सकते हैं फ्री मॉक टेस्ट है जरूर अटेंड करिएगा शाम को पाँच बजे इसी सैटरडे को तो कि आपको आपकी नॉलेज भी पता चल जाएगी कितनी है और साथ साथ आपको इतनी सारी चीजें जीतने का भी मौका मिल रहा है सेशल क्लासेस के भी काफी सारे फीचर्स होते हैं इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होते हैं पोल्स होता है लर्नर्स के लिए आप हैंड कर सकते हो नया क्लास ले चुके नोट्स में जाएंगे कहीं से कभी आप क्लास क्लासेस कर सकते हो गुड मॉर्निंग हा यू हाई परिवर्तन हावई यू फिर से जुकाम ही होता रहता है भाई मेरे को मैं आग बताऊं देर को दीपक हाई गुड मॉर्निंग हम बेटर द लीगल गेम इज अ न्यू चैनल गाइज बाय अकेडमी कोई अगर एनरोल नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बस बार अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इन अप्रोप्रिय कंटेंट अगर आपको किसी की भी वीडियो में देखो तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है चलिए अब हम शुरू करते हैं ट्रेसपास से लेट स्टार्ट विद विथ सो व्हाट इज ट्रेसपास गाइस ट्रेसपास का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जहाँ पे भी आप किसी और के लैंड के साथ इंटरफियर करते हो लैंड के साथ गुड्स के साथ अगर आप इंटरफियर करते हो इंटरफियर देन इन दैट केस इट इज मेंट ट्रेस ट्रेसपास उस चीज को अपन ट्रेसपास बोलते हैं ठीक है सो व्हेनेवर यू इंटरफेयर विद अ पर्सनस बॉडी पर्संस बॉडी या फिर लैंड या फिर पर्सनस बॉडी लैंड या फिर गुड्स इन तीनों चीजों के साथ अगर कोई भी इंटरफियर uh, करता है देन इन दैट पर्टिकुलर केस दैट विल बी नोन एज ट विल बी नोन एज ट्रेस पास नहीं मैंने ये स्पेशल क्लास पे नहीं कराई है इसके बाद ग्यारह बजे ट्रेस पास की सेकेंड क्लास अनअकेडमी ऐप पर फ्री क्लास है ठीक है सो फ्री क्लास आप अटेंड करने आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आपको बस जैसे आप यूट्यूब में क्लास करते हो वैसे अन अकेडमी पर आना है तो उसका पार्ट टू आपको स्पेशल क्लास में मिलेगा आज क्या डेट है आज है ट्वेंटी फोर्थ नवंबर तो ट्वेंटी फोर्थ नवंबर की सुबह ग्यारह बजे की क्लास इज ऑन ट्रेस पास पार्ट टू अगर बाद में कोई बच्चा इस क्लास को देखता है तो ठीक है हाँ सो so, मैं आपको क्या बता रही थी ट्रेस पास का मतलब होता है इंटरफेयर करना कैसे इंटरफेयर करना भाई जैसे मान लेते कि ये मेरा घर है ठीक है ये मेरा घर है और भाई जैसे कि सार्थक है, है सार्थक गुड मॉर्निंग ठीक है अब सार्थक क्या करता है मेरे घर के इस आ, आउटर एरिया में जो ये वरांडा है यहाँ के खड़ा हो जाता है ठीक है ऐसे ही कि अरे मैम आप कैसी है मैं आपसे बात करने आया था ये वो वगैरह वगैरह और एक्चुअली वो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा अनॉय कर रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो आए और मैंने उसको मना भी कर दिया था कि तुझे नहीं आना है फिर भी वो आ जाता है कि नहीं नहीं मैं तो आपसे मिलकर ही जाऊँगा मैं तो ऐसे ही मैं तो रहूँगा यहीं पर मैं यही रहूँगा मैं सार्थक को बोलती हूँ कि भाई तू जा मेरे को नहीं चाहिए कि तू मेरे घर पर ही रहे तो भाई सार्थक बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो भाई यही बैठूंगा और वो धरने बैठ जाता है मेरे ही घर के बरांडा में तो यहाँ पर क्या वो लैंड के साथ इंटरफियर कर रहा है। इजी इंटरफियरिंग विद माई लैंड गाइस। धनराज फ्री क्लासेस में कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट का तो क्रिमिनल का भी कंप्लीट नहीं है ही इज इंटरफियरिंग विद माई लैंड है ना वो मेरे लैंड के साथ इंटरफियर कर रहे हैं इवन दो मैं उसे मना कर चुकी हूँ कि भाई ये मेरा लैंड है यहाँ पे आके मत बैठ पर हमारे सार्थक आप लोग जानते हैं सार्थक तो सार्थक है इन दिस पर्टिकुलर केस सार्थक विल बी लाइबल फॉर ट्रेस पास और मैं चाहूँ तो उसके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर सकती हूँ और उससे कॉम्पनसेशन ले सकती हूँ फॉर द सेम ठीक है सो लैंड का मतलब है कि जहाँ पे भी आपका जो जमीन है उसको लेके कोई भी अगर इंटरफियर करेगा तो वहाँ पे वो

ट्रेसपास कौन से लॉ में है ट्रेसपास इज अंडर विच लॉ हाई खुशबू गुड मॉर्निंग हव यू ट्रेसपास कौन से लॉ में आता है गाइज फटा फट बता दो मेरे को छोट्स में, में आता है ना दोस्तों छॉत्स में आता है तो आप चाहो तो क्रिमिनल लॉ का भी केस कर सकते हो भाई मेरे ऊपर है ना मैं अस्मिता के आगे मैं अस्मिता को जेल भेजना चाहती हूँ या मैं अस्मिता से कॉम्पेंसेशन चाहती हूँ ये तो मेरी खुद की मर्जी है ना मतलब कुछ तो भाई इट्स माई चॉइस कुछ तो मेरी चॉइस के लिए छोड़िए दोस्तों कुछ तो मेरी चॉइस के लिए छोड़िए तो यहाँ पे क्योंकि अस्मिता से मैं कॉम्पेंसेशन चाहती हूँ मैं अस्मिता को जेल भी वो नहीं भी चाहती मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है सो so, यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज गोइंग टू टू बी गुड्स पे उसने मेरे गुड्स के साथ इंटरफेयर किया है सामान के साथ यहाँ पे गुड्स का मतलब ये नहीं है कि आर यू गुड और आर यू वेल वाला यहाँ गुड्स का मतलब होता है योर प्रॉपर्टी तो उसने मेरी प्रॉपर्टी के मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ इंटरफेयर किया है सो so वो भी ट्रेस में आता है न ऑल्सो कम अंड अरे रिचा तुम पीछे चल रही हो क्या बेटी तो टू टू एंटर प्रॉपर्टी तो लैंड में था बेटी अपन आगे आ गए हैं अगर कोई हमारी जमीन पर कब्जा करता है तो भी ट्रेस पास कर सकते हैं ऑफकोर्स ट्रेस पास कर सकते हैं क्रिमिनल ट्रेस पास भी होता है बिल्कुल होता है तो वो क्राइम में होता है ठीक है हाँ एक साथ ट्रेस पास और थेफ्ट का केस कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है परिवर्तन ठीक है यस yes. और थर्ड टाइप का इंटरफेरेंस थर्ड टाइप का जो ट्रेसपास होता है वो पर्सनस बॉडी के साथ होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनस बॉडी पर्सन बॉडी का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने आके मैंने आके भाई परिवर्तन को बोला एक चाड़ा पड़ेगा ठीक है मतलब ऐसे नहीं पड़ेगा दोस्तों पर मैंने परिवर्तन को बोल दिया कि एक चाड़ा पड़ेगा तो क्या यहाँ परिवर्तन को डर लगेगा कि अब उसको कुछ हर्ट होने वाला है उसकी बॉडी को हर्ट होने वाला है उसको डर लगेगा क्या है ना ऑब्वियसली आपको कोई भी आके बोलेगा कि एक चाटा लगेगा या वो आपको आके ऐसे चाटा दिखाएगा तो आपको लगता है कि अब आपको, आपको आपके ऊपर असोल्ट होने वाला है है ना असॉल्ट का मतलब होता है कि अब आपके अगेंस्ट फोर्स यूज हो सकती है आपको चोट लग सकती है सामने वाले पर्सन की इंटेंशनल हरकत की वजह से तो यहां पे क्या आपकी बॉडी के साथ इंटरफियर हो रहा है एन इंटरफियरेंस टू योर बॉडी गाइज यस ठीक है हा ना नो क्यू भाई हा ना उसकी बॉडी के साथ तो इंटरफे उसके चार्टा लगेगा तो उसके लैपटॉप पे तो चाटा नहीं मारूंगी मैं दोस्तों है ना गाल पर ही चाटा पड़ता है ना तो वो पार्ट ऑफ तो बॉडी हुआ ना तो देयर इज इंटरफेरेंस विद रिलेटेड टू परसन बॉडी राइट तो ट्रेस में तीन ऑफेंसेस हो सकते हैं एक होता है असोल्ट सेकेंड होता है बैटरी बैटरी क्या होता है बैटरी का मतलब होता है जहां पे मैंने एक्चुअली सामने वाले को मार दिया फॉर एग्जाम्पल अभी तक तो मैं बोल रही थी परिवर्तन एक चारा पड़ेगा ठीक है तो अभी तक मैंने मारा नहीं था मैं उसे बस डरा रही थी कि चाटा पड़ जाएगा लेकिन अब मैंने चाटा मार दिया ठीक है ऐसा अज्यूम कर लेते हैं ऑब्वियसली ऐसा कभी नहीं होगा पर तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने चाटा मार दिया तो अब क्या उसके अगेंस्ट फिजिकल फोर्स यूज हो गई है अब फिजिकल फोर्स यूज हो गई है क्या है ना देर इज द यूसेज ऑफ फिजिकल फोर्स सो दे इन दिस पर्टिकुलर केस अब बैटरी कमिट हो चुकी है तो ये भी इंटरफियरेंस विद बॉडी है दिस इज ऑल्सो इंटरफियरेंस विद बॉडी अरे बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस ठीक है ये भी इंटरफेरेंस विद बॉडी है बेटा और वर्षी इतनी देर से मैं और क्या पढ़ा रही हूँ बेटी क्या हो गया ठीक है सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रेस पास टू बॉडी विच इज इन द फॉर्म ऑफ बैटरी और थर्ड होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट तीसरा जो ऑफेंस होता है इंटरफेरेंस विद परसेंस बॉडी में होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि आपने किसी को चार दीवार में बंद कर दिया है जहां उसके पास कोई रास्ता नहीं है कहीं जाने के लिए मान लेते हैं कि अपन खुशी को क्या करते हैं खुशी को उसकी कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वो अपने दोस्तों से मिलने पार्टी करने ना जा सके तो क्या यहां पर मैंने ड्रेस पास कमिट किया है अगर मैं खुशी को बंद कर देती हूं उसके रूम में ताकि वो अपने दोस्तों से मिलने ना जा सके सो so, क्या आई हैव कमिटेड ट्रेस पास आई इंटरफियड विद हर बॉडी अगेन यस बिकॉज शी कैन नॉट एक्सरसाइज हर राइट ऑफ मूवमेंट एनी मोर अब वो राइट ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी है ना सो ट्रेस पास का क्या मतलब होता है ट्रेसपास का मतलब होता है जहां पे आप इंटरफियरेंस कर रहे हो या तो पर्सन की बॉडी के साथ या फिर उसके लैंड के साथ या फिर उसके गुड्स के साथ इतना शॉर्ट मीनिंग होता है ट्रेसपास का ठीक है चलिए सो so, अब लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन सो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो है वो ट्रेसपास को क्या डिफाइन करती है इट डिफाइंस ट्रेसपास एज एन अनलॉफुल एक्ट तो पहली चीज तो ट्रेस पास अनलॉफुल होना चाहिए मतलब वॉलेंटरीली आप जान बूझ कर सामने वाले को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो इंटरफियर करने की कोशिश कर रहे हो ठीक है कमिटेड अगेंस्ट द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनादर पर्सन तो ट्रेस पास किसके अगेंस्ट कमिट होता है किसी पर्सन की बॉडी के अगेंस्ट कमिट हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट हो सकता है या फिर उसके गुड्स के अगेंस्ट कमिट हो सकता है ठीक है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ इन पर्टिकुलर अनलॉफुल एंट्री बेटा उर्वशी नोट्स आपको खुद नहीं बनाने

आती है आता है क्या सीन है तो यहाँ पे इन दिस केस क्या अन्नू ने ट्रेस पास कमिट किया है हैज अन्नू कमिटेड ट्रेस पास दोस्तों तो फिर ट्रेस पास होगा क्या नो ऑफ कोर्स नॉट क्योंकि यहां पे अनलॉफुल नहीं है द थिंग दैट हैज बीन बाय अन्नू इज गोइंग टू बी लॉफुल ये जो है ये लॉफुल एक्ट होने वाला है सो देफो दिस इज नॉट गोइंग टू बी ट्रेस पास ठीक है सेकेंडली मान लेते हैं कि भाई ये बहुत छोटी सी गली है ये बहुत ही छोटी सी गली है आप सामने से मान लेते हैं यहां से दीपिका आ रही थी दीपिका वॉज कमिंग फ्रॉम दिस साइड और भाई इस साइड से ऋचा जा रही थी ऋचा इस साइड से जा रही थी सामने वाली गली से दीपिका आ रही थी अब दोनों जब निकल रहे थे तो ऋचा का कंधा दीपिका के कंधे से टच कर कर जाता है ठीक है अच्छा ओके गर्ल है ओके अनु ठीक है सो रिचा गंदा दीपिका के कंधे से टच कर जाता है तो यहाँ पे क्या उसने ट्रेसपास कमिट किया है बॉडी से ट्रेसपास कमिट किया है क्या रिचा या दीपिका ने एक दूसरे के अगेंस्ट बैटरी कमिट किया है क्या इज दिस बैटरी अभी मैंने आपको बताया था ना बैटरी मतलब जहां अपन फोर्स यूज करते हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट और जैसे ही आप आंसर कर लो दोस्तों क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा सही रहेगा थैंक यू सो मच गाइस नो no, ये भी बैटरी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अनलॉफुली फोर्स यूज नहीं किया गया है ठीक है क्योंकि वो गली इतनी छोटी सी थी कि वहां से निकलना मुश्किल था तो ऑब्वियसली अनकॉन्शियसली un, uh, उन लोगों ने ऐसा कर दिया वरना उन्होंने जान बूझ के ऐसा एक दूसरे के साथ नहीं किया है सो देयरफुल इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ट्रेस पास तो ट्रेस पास का क्या मीनिंग होता है गाइज ट्रेस पास मीन्स द रॉन्गफुल डिस्टर्बेंस ऑफ पोजेशन ऑफ लैंड और गुड्स ऑफ अनादर पर्सन तो ट्रेसपास का मतलब होता है जहाँ पे आप रॉन्गफुली डिस्टर्ब कर देते हो सामने वाले को उसके पोजेशन से या फिर उसके गुड्स से दूर कर देते हो कोई भी पर्सन जो इंटेंशनली और बिना कंसेंट के दूसरे के लैंड पे एंटर कर जाता है जो ट्रेस पास कमिट करता है उसको हम बुलाते हैं ट्रेस पासर तो मेरे पास राइट right है कि कोई मेरे लैंड पे एंटर ना करे कोई मेरे गुड्स को लेके ना चले जाए तो अगर कोई भी इंसान ऐसा करेगा तो क्या मेरा लीगल राइट वायलेट होगा अगर कोई मेरा सामान लेके चला जाता है या मेरे लैंड पे एंटर कर जाता है तो इज इट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माई लीगल राइट गाइज यस इट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माई लीगल राइट सो इन दैट पर्टिकुलर केस दैट टॉट वेर यू इन्फ्रिंज द लीगल राइट ऑफ इंटरफियरेंस विद अनादर पर्सन लैंड प्रॉपर्टी और गुड्स दैट इज वॉट इज नोन एज ट्रेस पास उसको अपन ट्रेस पास बोलते हैं तो ट्रेस पास तीन प्रकार के होते हैं देर आर थ्री वेज टू कम ए ट्रेस पास फर्स्ट इज नोन एज ट्रेस पासम फ्रेजिट द एंट्री ऑन अनादर पर्सनस लैंड जब आप दूसरे पर्सन के लैंड पे एंटर करते हो उसको अपन ट्रेसपास टू लैंड बोलते हैं ठीक है ट्रेसपास अगेंस्ट लैंड फर्स्ट वाला होता है लैंड के अगेंस्ट सेकेंड होता है ट्रेस पास डी बोनस एस्पोटाइटिस मीन्स टेकिंग अवे ऑफ अनादर परसन गुड्स मतलब ट्रेस पास अगेंस्ट गुड्स सेकेंड टाइप का होता है जहाँ पे आप किसी और का सामान उठा के लेके चले जाते हो और थर्ड होता है ट्रेस पास टू पर्सन जिसमें या तो आपने असॉल्ट कमिट किया है बैटरी कमिट किया है या फिर फॉल्स इंप्रेजनमेंट कमिट किया है तो ये तीनों अपन डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे पर उससे पहले आज की क्लास विल बी मोस्टली फोकसिंग अपॉन ट्रेस पास अगेंस्ट लैंड एंड ट्रेस पास अगेंस्ट गुड्स यहाँ तक अपन क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है एने बजे यानी डाउटाइज आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग ट्रेस पास क्या होता है ठीक है चलो नाउ कमिंग टू ट्रेस पास टू लैंड अब शुरू करते हैं अपन पहली चीज कि आपके लैंड के साथ ट्रेस पास क्या कहलाएगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक हवाई जहाज है दोस्तों ये एक हवाई जहाज है ठीक है ये भाई मेरे घर के ऊपर से उड़ रहा है ये हवाई जहाज मेरे घर के ऊपर से उड़ रहा है तो क्या ये भी ट्रेस पास में आ सकता है कैन दिस ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ ट्रेस पास बैटरी बैटरी असोल्ट और इफॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता है ट्रेस पास टू पर्सन एक्सक्यूज मी गाइज आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी सो so, सौम्यदीप तीन टाइप के ट्रेस पास होते हैं वन इज लैंड सेकेंड इज गुड्स एंड थर्ड इज पर्सन ये तीन ट्रेस पास होते हैं दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेस पास पर्सन में तीन टाइप्स के होते हैं बैटरी असोल्ट और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ये तीन होता है ठीक है ओके चलो सो तो अगर मेरे लैंड के ऊपर से भाई एरोप्लेन जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ट्रेस पास में नहीं आएगा इवन दो वो मेरे लैंड को इंटरफियर तो कर रहा है है ना हाई शिवांगी गुड मॉर्निंग हाव यू एम गुड इवन दो वो जो मेरे घर के ऊपर से जा रहा है एरोप्लेन वो मेरे लैंड को तो इंटरफियर तो कर रहा है ना गाइज है ना इट इज इंटरफियरिंग विद माई लैंड इवन आफ्टर दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइबल इवन आफ्टर दैट द एयरप्लेन अथॉरिटी इज नॉट गोइंग टू बी लाइबल वाई बिकॉज बिकॉज वो मेरे लैंड को पूरी तरीके से कवर नहीं करता है ठीक है वॉट डज दिस मीन तो ट्रेस पास टू लैंड की जो uh, मैक्सिम है ये वाली मैक्सिम आपको याद करनी है ये मैक्सिम है क्यू एस्ट सोलम यूएस एस्ट उसक्यो एंड कोलम एट एड इन फर्नोस ठीक है इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा इनफर्नोस का मतलब होता है हेल्प ठीक है इनफर्नोस का मतलब होता है हेल्प और सोलम का मतलब होता है हेवन हेवन सोलम एंड ठीक है सो ट्रेसपास टू लैंड ये कहता है मतलब उसका जो मेन प्रिंसिपल है जो लिटरल मीनिंग है जो लिटरल मैक्सिम है ट्रेसपास टू लैंड का वो ये कहता है दैट एनी वन लैंड ओन्ट ऑल द वे अप टू हैवन एंड डाउन टू हेल मतलब क्या हुआ मतलब अगर ये मेरा घर है इफ़ दिस इज माई हाउस और ये मेरी प्रॉपर्टी है मैंने इस प्रॉपर्टी को मेरे मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी से नीचे तक जितना हेल तक का एरिया है वो भी मेरा है और जितना हैवन तक का एरिया है वो भी मेरा ही होगा ठीक है ये पूरा एरिया और ये इससे नीचे का पूरा ये भी मेरा ही एरिया है अगर इस एरिया के नीचे कोई भी आ, क्या कहते हैं पाइपलाइंस भी बिछाना चाहता है तो वो इंटरफेरेंस में आ जाएगा और कोई अगर इस लैंड के ऊपर हवाई जहाज भी उड़ाना चाहता है चाहे कितना ही ऊपर हो वो भी इंटरफेरेंस के अंदर आ जाएगा तो ट्रेसपास की जो लिटरल मैक्सिम है वो ये कहती है कि भाई अगर आप एक लैंड ओन करते हो इफ यू ओन माय लैंड इफ यू ओन एनी लैंड देन द प्रॉपर्टी बिलो दैट विल आल्सो बिलोंग टू यू अप टू हेल एंड द प्रॉपर्टी अबव दैट विल आल्सो बिलोंग टू यू अप टू हेवन ठीक है ये एक लिटरल मीनिंग होता है ट्रेस पास टू लैंड की एग्जैक्ट मैक्सिम का लेकिन भाई अब ऑब्वियसली बात है कि दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है गाइस कि आपको हेवन तक का लैंड पे इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और हेल तक के लैंड का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो तो आप एरोप्लेन्स यूज ही नहीं कर पाओगे तो तो आप पाइपलाइंस किसी के घर के नीचे बिछा ही नहीं पाओगे है ना इफ दिस इज मेड ट्रू देन इट विल नॉट बी एट ऑल पॉसिबल टू इस्टेब्लिश एनी सच थिंग सो देर फोर इट इज इम्पॉर्टेंट कि ये जो मैक्सिम है ये लिटरली एप्लीकेबल ना हो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट दिस मैक्सिम शुड नॉट बी लिटरली एप्लीकेबल सो उसके लिए क्या किया जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ये बोला जाता है कि ट्रेस पास टू लैंड एप्लीकेबल होगा जब एक रीजनेबल हाइट तक या रीजनेबल डेप्थ तक कोई आपके लैंड के साथ इंटरफियर करेगा ठीक है जैसे मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ एक सेकेंड हाँ जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ ये मेरा घर है ठीक है दिस इज माय हाउस ठीक है ये ऐसी बिल्डिंग है मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ आप मेरी बिल्डिंग के पांच फिट ऊपर ही पांच फिट ऊपर ही एक केबल वाला अपना केबल का लाइन डाल देता है ठीक है जस्ट फाइव फीट अबव माई हाउस मतलब फाइव फीट तो बहुत छोटू सा होता है ठीक है मतलब फाइव फीट मतलब आपके जितना लंबा होगा तो फाइव फीट ऊपर ही एक तार डाल दिया जाता है तो क्या ये अनरीजनेबल है इज दिस अनरीजनेबल क्या अब आप अपनी छत को यूज कर पाओगे नहीं सानिया ये प्लस क्लास का कॉन्टिन्यूशन नहीं है बेटा प्लस में पढ़ाऊंगी अभी जो कमिंग टॉर्च क्लासेज है उसमें मैं प्लस में कवर करूंगी ये सब चिंता ना कर तू क्या ये अनरीज़नेबल है कि कोई मेरे लैंड के ऊपर पांच फीट ऊपर से अपना तार डाला हुआ है उसका क्या बोलते हैं टाटा का या किसी का भी किसी भी केबल टीवी का हाँ यस ना नो क्यों बोल रहे हो भाई पांच फीट अगर ऊपर तुम्हारे घर भाई तुम प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे क्या क्या इमोशनली क्या बोल रहे हो भाई तुम खड़े भी नहीं हो सकते अगर तुम्हारे छत के ऊपर से पांच फीट ऊपर से किसी केबल टीवी का तार जा रहा है विल यू बी एबन एबल टू स्टैंड प्रॉपरली इफ देर इज अ तार गोइंग अबव योर हाउस फाइव फीट की हाइट पे सिर्फ फाइव फीट की हाइट पे अगर तार है तो तुम अगर तुम खड़े भी हो पाओगे क्या आराम से नहीं ना तुम्हारा सर टकराएगा ना तुम घूम पाओगे क्या अपनी छत पर विल यू बी एबल टू टेक अ वॉक ऑन योर टेरिस इफ देर इज अफ देर इज अ वायर गोइंग ऑन ऑन अ हाइट ऑफ फाइव फिट फ्रॉम योर फॉर फ्रॉम योर टेरिस भाई मेरा तो सर टकरा जाएगा आई एम माई आई एम फाइव फाइव मैं खुद फाइव फाइव हूँ मेरा तो सर टकराएगा बार बार उससे तो अनरीजनेबल होगा ना इंटरफियरेंस होगा ना ये तो दिस इज एन इंटरफियरेंस ये तो मेरे लैंड के साथ इंटरफियरेंस हो जाएगा ना बेटा नहीं रीजनेबल एक्सटेंड तक अलाउड होता है फॉर योर नेचुरल यूज ऑफ लैंड नेचुरल यूज ऑफ लैंड तक आप, आप आप कर सकते हो ठीक है सो तो यहां पे ये अनरीजनेबल हो जाएगा तो दिस इज गोइंग टू बी ट्रेस ठीक है तो ये ट्रेस होने वाला है ठीक है तो नहीं खड़े हो पाओगे ना भाई समीर कहां से विल यू बी एबल टू स्टैंड इफ देर इज अ वायर ऑन भाई मेरे वो जो वायर है वो यहां तक आएगा तो आई विल नॉट बी एबल टू स्टैंड प्रॉपरली वो हमेशा मेरे मैं टकराऊंगी उससे लेकिन अगर कोई केबल टीवी वाला ये मेरा घर है मेरे घर के बीस फिट ऊपर से एक केबल टीवी का वायर देता है एफ एनी वन गिव केबल टीवी वायर ट्वेंटी फिट अब माई टेरिस मेरे टेरिस से ट्वेंटी फिट अबव देता है तो क्या ये रिजनेबल है वेदर दिस इज रीजनेबल गाइस कि बीस फिट ऊपर उप, से दिया है उसने यस दिस इज गोइंग टू बी रीजनेबल ना क्योंकि अब मैं अपने लैंड को यूज कर सकती हूं प्रॉपरली नाउ आई कैन यूज माई लैंड प्रॉपरली सो दिस इज नॉट ट्रेस पास ठीक है ये में नहीं आएगा क्योंकि नाउ आई कैन यूज माई लैंड को 20 फिट अपने के ऊपर का क्या चाहिए क्यों चाहिए natural use के लिए तो मुझे नहीं चाहिए आई डोंट नीड हाइट ऑफ 20 फिट ठीक है मुझे 20 फिट तक की हाइट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है सो देर फोर दिस विल नॉट बी ट्रेस पास देन वो ट्रेस पास में नहीं आएगा सो so, ट्रेस पास की जो मैक्सिम है वो ये कहती है कि आपको हेवन तक और नीचे हेल्थ तक आपको लैंड प्रोवाइड किया जाएगा बट इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस मैक्सिम सेज दैट कि टू अ रीजनेबल हाइट फॉर अ रीजनेबल हाइट यू बी गिवन क्या कहते हैं इंटरफेरेंस uh, आप नहीं कर सकते और रीजनेबल डेप्थ तक आप इंटरफियरेंस नहीं कर सकते हो बेटा सौम्यादीप द फैक्ट uh, कि आप नेचुरल आप, आपका लैंड

ठीक है गगन जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे वो उसके बाद कंसिडर किया जाएगा आफ्टर दैट इट 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 विल 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 बी 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 टेकन इनटू अकाउंट ठीक है चलिए सो अब क्या होता है अब लैंड में क्या क्या आएगा लैंड अगर आपके पास किसी भी लैंड की ओनरशिप है तो यू विल हैव ऑल द क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड उस लैंड पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब आपको बिलोंग करेंगे मतलब लैंड के नीचे भी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर आपके लैंड के नीचे से अगर जा रहा होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या कहते हैं वो पंप लगा लेते हैं है ना जो वो वाटर पंप नहीं होता जिससे गांव में आप लोगों ने देखा होगा तो वो पंप क्यों लगा लेते हैं क्योंकि उनके पास राइट है अपने ला, उनके लैंड पे के नीचे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो उसको यूज कर सकते हैं ठीक है अब लैंड में क्या क्या आ जाएगा लैंड में आ जाती है आपकी बिल्डिंग्स या फिर कोई भी ऐसी चीज जो ग्राउंड से अटैच होती है जैसे हाउसेज वॉल्स क्रॉप्स भी आपके लैंड में आते हैं क्रॉप्स विल ऑल्सो अंडर योर लैंड ओनली ठीक है सो इसमें बेसिकली रीजनेबल हाइट और डेप्थ तक आपको आपका लैंड का नॉर्मल यूज अलाउड है ठीक है अब इन द केस ऑफ ट्रेस पास टू लैंड ट्रेस पास टू लैंड में क्या होता है कि अगर आपने लैंड का इन्फ्रेंचमेंट किया है अनलॉफुली आप किसी और के लैंड पे एंटर करे हो तो वो हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए आप डायरेक्टली उसके लैंड पे जाके चले गए हो और इंटेंशनल होना चाहिए विद योर इंटेंशन होना चाहिए

ठीक ट्रेस पास एक ऐसा मात्र टॉट है जिसमें इंटेंशन मैटर करती है मतलब कि आप भाई वहां पे तब लायबल होगे जब आप इंटेंशनली किसी और के लैंड पे एंटर करोगे लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बाय मिस्टेक एंटर कर गया ठीक है आप तब भी लायबल होगे अगर आप बाय मिस्टेक भी किसी और के लैंड पे एंटर करते हो मतलब अगर आपको कॉन्शियसली आप किसी और के लैंड पे जा रहे हो मतलब नेग्लेजेंटली अगर आप किसी और के लैंड पे भी जा रहे हो ना तो भी यू आर गोइंग टू बी हेल्ड एज लाइबल फॉर ट्रेस जैसे फॉर एक्साम्पल मैंने लगा अब मैं गाना सुन रही हूँ और मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं किसके घर में एंटर कर रही हूं मैं किसी रैंडम वाई बंदे के घर में एंटर कर गई तो मैं ये नहीं कह सकती कि ओ शिट मैंने ईयरफोन्स लगा लिए थे मुझे पता नहीं था क्योंकि ऐसे तो फिर भाई आप बहुत सारे टॉट्स कमिट करते जाओगे सो so बेसिकली अगर आप नेग्लिजेंटली भी कोई टॉट कमिट कर रहे हो नेग्लिजेंटली अगर आप ट्रेस पास कमिट कर रहे हो तो भी आप लाइबल होने वाले हो लेकिन अगर आप अनशनली कर रहे हो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पैराशूट चला रहा है बंदा ठीक है बंदा पैराशूट चला रहा है अब पैराशूट के केस में तो आपके पास मतलब कंट्रोल ही नहीं होता है ना पैराशूट के केस में यू डोंट हैव कंट्रोल एट ऑल तो अगर आप पैराशूट नीचे उतारते टाइम किसी के घर में उतार दिया आपने पैराशूट तो फिर आप लाइबल नहीं हो ड्रेस पास के लिए समझ रहे हो आप मेरी बात को ठीक है क्योंकि वहां पे नेग्लिजेंस नहीं है वहां पे तो अनइनटेंशनली आप किसी के घर में लैंड कर गए हो लेकिन जैसे फ़ॉर एग्जाम्पल मैंने ईयरफोन्स लगा के वॉक किया तो यहाँ पे भाई मुझे नॉलेज थी कि मुझे ऐसे ईयरफोन्स लगा के रोड यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ये पता है कि उसकी वजह से मैं किसी और के लैंड में एंटर कर सकती हूँ सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने जो जो भी ट्रेस पास कमिट किया है वो इंटेंशनल होना चाहिए लेकिन वहाँ पे अगर नेग्लिजेंस है तो भी आप ट्रेस पास के लिए लाइबल होगे ठीक है अब ट्रेसपास के क्या क्या असेंशियल्स होते हैं वॉट आर द दसेंशियल्स ऑफ ट्रेसपास गाइस गाइज वी हैव अ क्लास एट इलेवन ए एम ग्यारह बजे अपनी क्लास है तो अभी अपन ग्यारह बजे कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को ऑन अन अकेडमी ऐप ठीक है इट्स अ फ्री क्लास फ्री क्लास है अन अकेदमी ऐप पे उसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे वील बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द इलेवन ए एम क्लास वहाँ पे पोल होता है इन दैट क्लास वी हैव अ पोल सो देर फोर आप ए बी सी डी आंसर करते हो सकते हो और आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ एक क्वेश्चन टैब भी होता है जिसमें आप अपने क्वेश्चन के फोटोज भी डाल सकते हो सो इफ़ यू वॉन्ट देन यू कैन कम एंड अटेंड दैट क्लास एट एलेवन ए एम अभी दस मिनट में वो क्लास शुरू होने वाली है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप देखोगे इफ़ यू सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो उसमें आपको मेरी प्रोफाइल uh, लिंक दिख रही होगी जो थर्ड लिंक है ना द थर्ड लिंक इज़ माई प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो अगर आप में से कोई भी नया है अभी बच्चा तो मैं उसको बता रही हूँ मेरी प्रोफाइल लिंक दे रखी है गो टू माई प्रोफाइल आप मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करो अगर आप लैपटॉप से हो तो वो तो सेकेंड उसमें खुल जाएगा आ, क्या कहते हैं सेकेंड आ, विंडो में खुल जाएगा और अगर आप फ़ोन से हो तो आपको बस ऐप आप डाउनलोड करना है और प्रोफाइल आपको मेरी खुल जाएगी या फिर क्लैट कैटेगरी में जाके भी अगर आप कृति भटनागर सर्च करोगे तो आपको मैं मिल जाऊंगी उसमें आपको स्पेशल क्लास वाले टैब पे क्लिक करना uh, है क्लिक ऑन स्पेशल क्लास का टैब एंड देन यू जस्ट गो टू क्या कहते हैं वो जो एक इलेवन ए की अभी क्लास दिखा रहा होगा ट्रेस पार्ट टू test pass part 2 उसको आप आके एंटर कर लो अभी से भी एंटर कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है सो जस्ट ओपन दैट क्लास और उस क्लास में आप आ जाओ वहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड ये जो टेस्ट पास का बचा हुआ पार्ट है वो उसमें वी विल बी कंप्लीटिंग और आपको कोई भी डाउट्स भी है तो भी आप उसके क्वेश्चन टैब में आके डाल सकते हो आई विल टेक द डाउट्स फ्रॉम देयर इट्स अ फ्री क्लास ठीक है सो अपन वहां पे मिलते हैं वी विल सी यू देयर समीर एवरीबडी रिक्वायर्स सम गाइडेंस सो अगर आपको गाइडेंस का जरूरत है तो uh, मतलब इट्स इट्स अ इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन सबके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई खुद से प्रिपेयर करना चाहे तो वो कर सकता है गाइडेंस के थ्रू करना चाहे तो वो कर सकता है सो दैट्स योर चॉइस ठीक है सो नाउ आई एल सी यू इन द इलेवन ए एम क्लास गाइज फ्री क्लास है और अगर बाई चांस वो आपसे फ्री क्लास एक्सेस करने के लिए कोड मांगते हैं तो आप कृति भी कोड यूज कर सकते हो ठीक है तो आपको आप क्लास में एंटर कर जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लास है ठीक है सो आई एल सी यू इन फाइव मिनट्स लिटरली नाइन मिनट्स सॉरी ठीक है चलिए आप क्लास को एंड करते हैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन अपन उस क्लास में करेंगे सो थैंक यू सो मच एंड चाचा बाय बाय लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा क्लास को एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को सी यू इन नाइन मिनट्स गाइज अभी तक ग्यारह बार क्या कहते हैं क्या क्या बोल गया चलिए ओके बाय गाइज सी यू इन एट मिनट्स टाटा इन द स्पेशल क्लास बाय